मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लो जी दूध पी लो। अरे गुलाबो तू पागल है क्या? दूध तो बच्चे पीते हैं बच्चे। मैं तो शेर हूं शेर, और शेर सोमरस पीते हैं सोमरस, तुझे पता नहीं क्या? अगर हमें कुछ पिलाना है तो अपने गोरे गोरे हाथों से सोमरस पिला दे बस। सोमरस? ये सोमरस क्या होता है जी? अरे मेरी नादान भोली सी दुल्हन मेरी पत्नी, तुझे सोमरस नहीं पता? सोमरस देखना है तुझे? सोमरस दिखाऊं क्या? हाँ जी हाँ जी, दिखाइए। मेरे गुलाबो ये होता है सोमरस। नहीं जी, ये सोमरस नहीं है, ये तो शराब है, शराब। और शराब बहुत गंदी चीज होती है जी, आप इसे फेंक दो। तू पागल है क्या? इसे फेंक दूं? पागल? ये कोई फेंकने की चीज होती है क्या? ये तो सोमरस है, सोमरस शेरों के पीने की वस्तु। देख मैं तुझे अभी पीकर दिखाता हूं मुझ में कितनी ताकत आती है इसे पीने के बाद। आपने शराब पी जी? हाँ पी है, तुझे क्या प्रॉब्लम है साली? बोल। आप मुझे नशे में गाली भी दे रहे हो जी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। हाँ दे रहा हूं तुझे गाली में, और वैसे भी मेरी बात सुन। पत्नी जो होती है ना, पत्नी यानी औरत, वो तो पैर की जूती होती है, पैर की जूती। शादी से पहले आपके पिताजी ने कहा था कि मेरा लड़का कोई भी नशा नहीं करता, और अब आप मेरे सामने पूरी की पूरी बोतल शराब की पी गए। आप शराबी हैं? हाँ हूं मैं शराबी, हूं मैं शराबी। कान खोल के मेरी बात सुन ले तू। अब तू आदत डाल ले, मैं तो रोज शराब पीता हूं रोज, और मेरी माने ना तो तू भी रोज दो पैग लगा लिया करना। आपको शर्म आनी चाहिए जी, ये सब बात करते हुए। मुझे शर्म आनी चाहिए? मुझे? पागल कहेगी ये कोई बुरी चीज नहीं होती। ले तू ऐसे कर, तू भी एक बोतल पूरी चढ़ा ले, फिर तुझे इस सोमरस के आनंद का पता लगेगा। नहीं जी, मैं शराब नहीं पीऊंगी। तू मेरी धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी, और हर पत्नी का फर्ज होता है कि वो पति की हर बात को, हर आदेश को आंख बंद करके माने। चल अब जिद मत कर, फटाफट इस बोतल को एक घूंट में खत्म कर दे बस। मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं शराब नहीं पीऊंगी जी। तो निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी जरूरत भी नहीं है। मैं तुझे तलाक देता हूं, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, और चली जा तू अपने उस कंगाल बाप के पास जिसने दहेज के नाम पे हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, साले हरामी कुत्ते ने। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ जी, आप ऐसा मत करो। अगर आप मुझे घर से निकाल दोगे तो मेरे पिताजी की पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी जी। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? वैसे एक काम हो सकता है, वो क्या जी? सिंपल सा काम है बस। तू ये शराब की बोतल पूरी पी ले,
फिर मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा। नहीं जी, मैं शराब नहीं पी सकती। शराब नहीं पी सकती? तो शराब तो तुझे पीनी पड़ेगी, चाहे तू प्यार से पी या फिर तुझे जबरदस्ती करके मैं पिलाऊंगा। मैं मर जाऊंगी जी, पर ये शराब नहीं पीऊंगी। तू ऐसे नहीं मानने वाली साली कुतिया। साली कटिया बाप की गंदी औलाद, गंदी औलाद, गंदी औलाद। अरे छोड़ बेटा छोड़। अरे बहू को क्यों पीट रहा है? पिताजी, एक तो साली ये दहेज के नाम पे अपने घर में कुछ भी नहीं लाई, मेरे सारे अरमानों पे इसने पानी फेर दिया, ऊपर से मुझे ये शराब के लिए मना कर रही है। ये मुझे मना कर रही है ऐसे खुशी के मौके पे पिताजी। अरे बहू, जब तेरा पति तुझे शराब पीने के लिए कह रहा है तो तू पी ले, इसमें बुरी बात क्या है? पिताजी आप भी साली मेरे पूजनीय पिताजी के सामने तू जुबान लड़ा रही है। पिताजी ये ऐसे नहीं मानने वाली, आप इसके हाथ पकड़ो, मैं इसे शराब पिलाता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। मजा साली तुझे शराब पीने में, ले और पी। है ना लजीज चीज, तू इसे मना कर रही थी, ये तो सोमरस है, पागल सोमरस है ना पिताजी, और पी। बेटा वाह मटरू, अब आएगा मजा। पिताजी आप ठीक कह रहे हो। पिताजी अब आप एक काम करो, इसके बाप को फोन करो और साथ में गांव के जो बड़े बूढ़े हैं ना, उनको भी यहाँ बुला लो। उनको भी तो ये पता चलना चाहिए कि ये शराब पीती है। पिताजी इससे पीछा छुड़ाने का यही अच्छा मौका है पिताजी, ऐसा मौका हमें नहीं मिलने वाला। और इससे पीछा छुड़ाने के बाद पिताजी हम दूसरी जगह शादी करेंगे, हम राजा जी, जहां हमें मोटा दहेज मिलेगा पिताजी। वाह बेटे वाह मटरू, क्या दिमाग लगाया तूने। पिताजी मेरी नजर में एक लड़की है, पर पिताजी वो लंगड़ी है, लेकिन पिताजी उसका बाप बहुत अमीर आदमी है, हमारा घर वो दहेज से भर देगा, मैं उसके साथ शादी कर लूंगा। वाह बेटा वाह, इसी तरह उसको भी हम घर से निकाल देंगे। अरे तुम दोनों बाप बेटा इतने बुरे हो, गिरे हुए हो। अरे थूकती हूँ मैं तुम दोनों पे, तुम दोनों मुझे शराब पिला के मुझे बदनाम करना चाहते हो। साली जुबान को चुप रख ले वरना। गुलाबो मुझे माफ कर दे गुलाबो, दोबारा मैं कभी ऐसा सोचूंगा भी नहीं। गुलाबो मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं? वो भी तुम जैसे गिरे हुए लोगों को? अरे तुम इंसान नहीं जानवर हो, जानवर, और वो भी पागल। और तुम्हें पता है जब कोई कुत्ता पागल हो जाता है ना तो उसे गोली मार दी जाती है, गोली।
प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में जो मैंने अपने पति और ससुर पे हाथ उठाया है वो मैंने बिल्कुल भी गलत काम नहीं किया है, क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों पाप है और हमें अत्याचार का जमकर विरोध करना चाहिए। और भाइयों, जो मैं शराबी का किरदार आपके लिए निभा रहा हूँ केवल मात्र एक सामाजिक संदेश देने के लिए कि शराब का सेवन ना करें, ये हानिकारक होती है, इससे घर उजड़ते हैं। और प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल के सब्सक्राइब के साथ एक छोटी सी जो बेल आइकन है ना, उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन जो हम नई वीडियो अपलोड करते हैं टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।